आशा और अहंकार जन्म देता है डिप्रेशन को, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी सारे लोग मेरे पास में आते रहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते रहते हैं और वो डिप्रेशन से पीड़ित है, वो डिप्रेशन से ग्रस्त है, उनको निराशा है, दुखी है, उनको कोई लाइफ अच्छा लगता नहीं है, उनको लगता है कि भाई ये कुछ पड़ा नहीं इसमें, ऐसा ठीक होगा कि क्या मैं सुसाइड कर लूं, मेरे जीवन में कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे काफी लोग डिप्रेशन से आते रहते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो है, निराशा जो है, वो निराशा आती क्यों है? निराशा आती इसलिए है कि आपके पास में आशा है या आपको आशा है। जब आशा है और वो आशा की संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, वो पूरी नहीं होती, तो फिर निराशा आती रहती है। असफलता कब आएंगी? असफलता तब आएंगी कि आप सफलता के लिए दौड़ रहे हो, तब असफलता है। पराजय कब होता है? जब आप जय के लिए दौड़ रहे हो तो पराजय होता है। दुख कब है? जब आनंद के लिए दौड़ रहे हो तो दुख हो रहा है। तो निराशा इसलिए कि आपके तरफ, आशा के तरफ आप दौड़ रहे हो। आशा होना है, ये आशा वो आशा, आपके पास में पैसे की आशा होंगी, आपको होंगी जॉब की आशा, आपको होंगी अच्छे रिश्ते की आशा, आपको होंगी कि एग्जाम में थ्रू होने की, जॉब लगाने की, प्रमोशन की, जो भी कोई आशाएं आपको है, जो भी वासना है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपको रुचि है और वो चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो वो चाहत जो है, वो चाहत निराशा को जन्म देती है। जब आप विजय के बारे में बोलते हो तभी आपको हार के बारे में मालूम होगा। हार तभी होती है जब आप विजय के बारे में सोचते हो। तो ये जो है ना, ये पूरा उल्टा चलता रहता है। उल्टा इसका मतलब कि भाई पराजय और जय, पराजय तभी होगा जब आप जय के लिए खेल रहे हैं। तो ये तो होना ही है, निराशा होनी है, तो फिर क्या है? आशा जो है वो आशा आप रखते हो और उसके बदले निराशा आती है, तो ऐसा कैसा जीवन मेरा होगा कि आप या मैं बिना आशा का जीवन जिए, बिना आशा का जीवन जी रहे हैं, बिना आशा, कुछ आशा ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, बस जो हो रहा है वो देख रहे हैं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिस तरह से दुनिया चल रही है उस तरह से चल रही है, मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आशा और अपेक्षा ये अपसेट होने की मदर है, माँ है, मतलब एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ गेटिंग अपसेट्स और बिकमिंग अपसेट, ऐसा बोला जाता है। तो डिप्रेशन की मदर कौन है, माँ कौन है कि आशा। दूसरा और एक है डिप्रेशन आने का कारण कि भाई अहंकार, मेरा मैं अहंकारी हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मैं हूँ, मैं मेरा करते रहता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो फिर क्या है, मेरा एप्रिसिएशन होना चाहिए, मुझे लोगों ने प्रशंसा करना चाहिए मेरी, मुझे लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, मुझे लोगों ने मान सम्मान देना चाहिए, और वो जब होता नहीं है, अहंकार की तृप्ति होती नहीं, अहंकार की संतुष्टि होती नहीं है, तब भी फिर निराशा आ जाती है। वो कैसा होगा कि हम आनंद के पीछे हैं नहीं, आनंद के पीछे रहेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि मुझे ये करने से आनंद होगा, वो करने से आनंद होगा, तो डेफिनेटली दुख आपको जरूर होने वाला है। जब आनंद के पीछे है नहीं, जहां है वहां ठीक है, जो स्थिति है वो ठीक है, तो आपके ऊपर आनंद का वर्षा हो जाएगा, आनंद आपके ऊपर आप ही आप आ जाएगा, क्योंकि आप अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं, तो फिर जो आएगा वो आनंद ही है, जो आएगा वो सुखी है। जब हम अपेक्षा रखते हैं तो अपेक्षा हम यहां रहती है और हम यहां रहते हैं, तो उसके पीछे दौड़ रहे, उसके पीछे दौड़ रहे। आप जब यहां हैं और उधर कुछ भी नहीं अपेक्षा ऊपर, तो वो आपका पीछा करेंगी कि भाई ये कब अपने पकड़ में आता है और मैं इसको कब खुशियां दूंगी। तो आज से आपको क्या करना है, एक तो मैं, आई, मी, अहंकार, एक तो वो बाजी में रखना है, उसको छोड़ दो, और दूसरा जो है कि अपेक्षा विरहित जीवन हम कैसा जिएंगे। अपेक्षा ही नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। गीता में भी ये बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, फल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो बिना अपेक्षा, पैसा दे रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं बिना अपेक्षा,
काम कर रहे हैं बिना अपेक्षा, किसी के ऊपर प्यार कर रहे हैं बिना अपेक्षा। हम क्या करते हैं, प्यार करेंगे तो मैं प्यार इसलिए करता हूं कि वो मेरे ऊपर प्यार करेगा, मैं इसलिए दान धर्म करता हूं कि मुझे कुछ सभी पुण्य मिलेगा या मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं किसी लिए कुछ टाइम देता हूं तो वो मुझे टाइम देगा। तो मेरा हर बार हर बात मेरी जो है वो क्या होती है, हर बात मेरी जो भी मैं करता हूं तो मेरी अपेक्षा वहां रहती है कि उसने भी वैसा करना चाहिए। अब वो है नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, तो फिर नर्वसनेस, निराशा, डिप्रेशन का कोई कारण होगा ही नहीं। जो आपको कर्म करना है वो कर्म करो, जो भी आपको जैसा जीना है वैसा जियो, डिप्रेशन आपके आसपास में भी नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं,